श्री सुभाष वासी जी, माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी, एसएम खान जी, तो किन शब्दों में आप उन नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आपके सहयोग में साथ खड़े हुए हैं? पूर्वांचल की धरती से आए हुए हमारे बड़े भाई जायसवाल जी जो वहाँ के सरकार में विधायक हैं, सुभाष वासी जी जो कि ऑलरेडी हमारे साथ हमेशा यहाँ पे रहते ही हैं, मुंबई में 10 साल से विधायक भी थे, वो अभी भी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट में बहुत सक्रिय राजनीति में हैं, वो उनके साथ एक उनके बहुत चहेते आंसू दुबे भी हैं, वो भी साथ में जुड़े हुए हैं, और एसएम खान जी, इन लोगों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं पूर्वांचल को लेकर के, मैं उसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबका जो एक सोच है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच है जो पूर्वांचल को लेकर के, और ये जो प्रक्रिया है पूर्वांचल के विकास के लिए, और ख़ास करके माननीय विधायक जी ने जो अभी जायसवाल जी ने कहा कि MSME के माध्यम से आपके लिए बहुत दरवाजे खुले हुए हैं वहाँ के लिए, यहाँ से चल करके वहाँ पे उस चीज़ को इस्टेब्लिश कीजिए, और ये सच्चाई है कि 2019 के बाद से आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको इनकैश कीजिए, वहाँ पर चल करके जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कीजिए, और पूर्वांचल को समृद्ध बनाने में आप अपना अहम योगदान दीजिए। धन्यवाद। के अध्यक्ष अशोक दुबे जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं मुंबई हाई कोर्ट में, उनका मुद्दा है कि पूर्वांचल से पलायन कैसे रुके, कैसे रोका जाए, उद्योग व्यापार वहां कैसे स्थापित किया जाए, यही उनका मुद्दा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं दुबे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने इसके विषय में सोचा है, लेकिन पलायन कैसे रुके वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत कुछ करना है, और ये जब होगा, जैसे आज केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन उस पलायन को रोकने के लिए समय लगेगा, लेकिन पहल बहुत अच्छी है। थोड़ा सा समय आपका लूँगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के लोग जो हमारे बम्बई शहर में आए हैं, बम्बई एक महानगरी है, माया की नगरी है, यहाँ पे मेरा भाई जो उत्तर प्रदेश से आता है 10x10 के घर में रहता है, दूध बेचता है, सब्जी बेचता है, केला बेचता है, मूंगफली बेचता है, कड़ी मेहनत करते हैं लोग, रास्ते पे ठेला लगाता है, लेकिन हजारों हजारों लाखों लाखों का मनी ऑर्डर उत्तर प्रदेश में भेजता है। आज उत्तर प्रदेश में भी विकास हुआ है तो उसमें भी मुंबई शहर का या महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, हर छठा घर उत्तर प्रदेश का बम्बई शहर में रहता है। इसके लिए बहुत कुछ हमें और आपको करना है, सपोर्ट करना पड़ेगा सरकारें को, जो जो सरकारें हैं उन सरकारों के सामने हमें अपना प्रपोजल रखना पड़ेगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को गुजरात बनाया, तीन टर्म मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने गुजरात को, वो एक नमूना पेश किया है हमारे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति रही है कि कोई भी स्टेब्लिश सरकार नहीं रही, अब जाकर के माननीय आदित्यनाथ योगी जी 10 साल से, ये 10वां साल चल रहा है, 7 साल हो गया ना, 8वां साल चल रहा है, जब तक 2-3 सरकारें हमारी नहीं वहां रहेंगी, केंद्र में हमारी सरकार है, बहुत से काम माननीय योगी जी कर रहे हैं, आज क्राइम को उन्होंने बहुत कम कर दिया है, आज हमारी माताएं बहनें सड़कों पे निकलने लगी हैं, नहीं तो शाम को जैसे झुमुट होता था कोई नहीं जा पाता था। मुंबई एक ऐसा शहर है कि अपने रिक्शे के अंदर भी आप 2-5 करोड़ रुपया लेके जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं, सेफ शहर। उत्तर प्रदेश कैसे सेफ हो, इसपे क्या है? इसपे बहुत से कार्य हो रहे हैं, माननीय योगी जी बहुत कार्य कर रहे हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं सरकार में, विधायक है, हम भी 10 साल विधायक रहे हैं, लेकिन मुंबई से मेरा एक बहुत बड़ा लगाव है, और मुंबई कितना भी हम कोशिश कर लें कि पलायन रुके, जब तक उस लेवल पे रोजगार नहीं होगा, जब तक उस पलायन को हम नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो मुद्दा उठाती हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रोजगार दें तो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ ना आए, उत्तर प्रदेश में रोजगार दें, लेकिन रोजगार जब मुहैया आप कराएंगे तब ना। इतना बड़ा प्रदेश है, जो प्रदेश देश की राजनीति का दिशा बदलता है वो प्रधानमंत्री चुनता है, 80 लोकसभा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, वो एक दिन में नहीं होगा,
उसकी शुरुआत हो चुकी है और भाई साहब के मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहल की है और आज नहीं कल उसका रिजल्ट आएगा। अब हम चुनाव की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव, सारी दुनिया की नज़र इस महाराष्ट्र के चुनाव पे है और खास करके बम्बई के ऊपर। देश की राजनीति की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का सर्वे सर्वा यदि कोई है तो खास ही ये 6 लोकसभा सीट जो मुंबई शहर है, जितना रेवेन्यू पूरे 537 सीटों का नहीं आता है, उतना रेवेन्यू खाली ये 6 लोकसभा सीटों का आता है, जितना टैक्स मुंबई शहर भरता है। तो हम बात करेंगे, उसके लिए बड़े बड़े नेता लोग हैं, बहुत सोच रहे हैं भाई साहब की पहल के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। भारती ताई लवेकर हमारी बहन है, भाई साहब हम लोग आए हैं कि वो जीते, तीसरी बार विधायक बने और सरकार बनती है उसमें मंत्री बने और सरकार बनेगी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो योजना लड़की बहन का जो लाया है, वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है हमारी उन बहनों के लिए जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। 1500 रुपया उनके खाते में आता है। मित्र एसएम खान जी अभी उस योजना पे बहुत बड़ा प्रोग्राम भी 5 अक्टूबर को किए थे, इसमें अमृता जी आई। देखिए हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं एसएम खान जी, मैं तो इनसे कुछ सीखता हूँ। और कहते हैं वो आपसे सीखते हैं। चलिए अच्छा है ना, एक दूसरे का हम लोग सहारा तो बनते हैं। बस हम यही शुभकामना आपके चैनल से देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई हैं, इस बार का जो चुनाव है, कमल जहां कमल है, जहां धनुष बाण है, उस बटन को दबाएं और फिर से सिंधे और युति की सरकार को बनाएं। जिम्मेदारी दी है दोनों विधायकों को कि हमारी बहन जो है भारती ताई लवेकर, उनको जिताकर वर्सोवा विधानसभा से एक नमूना पेश करें, ये इन लोगों को खून पसीना एक करें। इन्हीं के साथ हम भी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी के काफी लोग काम कर रहे हैं और हमारी सबकी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र के अंदर एक ये पैगाम जाए कि महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय हो या अदर जितनी भी कास्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है, मोदी जी के साथ में खड़ी है, क्योंकि एक उनका विजन है मोदी जी का। भारत के अंदर 2014 के बाद जो बदलाव हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक हैं तो सेफ हैं, ये हकीकत बात है। 14 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 1947 से लेके आज तक, मुसलमानों को धमका के फुसला के उनकी वोट उनकी यूज़ की है। अभी मुसलमानों को भी समझ में आने लगा है कि 14 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत का एक विजन लेके चले हैं, तो भारत का मुसलमान भी मोदी जी के साथ में खड़ा है, इसका सबूत एसएम खान आपके सामने बैठा है। और हमारी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में सरकार बने और हमारे नेता फडणवीस जी उसके मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा लीडर मुख्यमंत्री बने, हम उनको देखना चाहते हैं। और पूर्वांचल हो या यूपी हो या महाराष्ट्र, कुछ भी हो, अदर देश, सब एक है, देश के वासी सब एक हैं, कोई इधर कमाए कोई यूपी में कमाए, सब पैसा एक ही जगह घूम रहा है, सब भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत हित के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, अक्सर आपके ऑफिस पे हजारों हजारों की भीड़ दिखती है। आपके बगल में अशोक दुबे जी जो कि अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार पूर्वांचल के विकास को लेकर के मुद्दा बनाते रहते हैं कि कैसे वहां से लोगों का पलायन रुके, कैसे वहां पे रोजी रोजगार मुहैया हो और कैसे पूर्वांचल का विकास हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे भाई अशोक जी जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, एनजीओ बनाए हैं, बड़ी खुशी की बात है, मैं इनका स्वागत करता हूँ वर्सोवा विधानसभा में। पूर्वांचल एक बहुत बड़ी हस्ती है, उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है और उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग, हम भी पैदा इधर ही हुए हैं, हमारे माँ बाप आ गए थे पहले, वैसे तो हम वेस्टर्न यूपी से, मेरठ से हैं। यूपी के लोगों की हो, बिहार के लोगों की हो, पंजाब के लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि बॉम्बे में जाके हम लोग एक आशियाना ढूंढें, और एक ख्वाहिश होती है उनको एक आशियाना बनाने की, क्योंकि एक बम्बई शहर जो है चमकता हुआ शहर है। इस चमकते हुए शहर में जो आ गए और जो बन गए वो बन गए, और जो नहीं बने वो कोशिश करते रहते हैं, हमारी तरह, हम भी एक छोटे से हैं,
और उसमें कामयाबी मिलती है। और यहाँ से कमाने के बाद उत्तर प्रदेश हो, वेस्टर्न यूपी हो या पूरब हो, अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमाने के बाद अपने माँ बाप को और अपने क्षेत्र में लगाते हैं पेमेंट। वहाँ पे भी कितने लोगों ने फैक्ट्री लगाई है, ऐसे बहुत बड़े बड़े इतिहास रहे हैं। गरीब से गरीब, बड़े से बड़ा यही कोशिश करता है कि मेरे वतन में मैं अपना कुछ स्कूल बना दूं, कॉलेज बना दूं। ललन तिवारी जी साहब भी बताए, हमारे भाई पासी जी, कृपा शंकर जी और कितने लोग, काफ़ी लोग हैं, उन्होंने जो है यहाँ कमा के उत्तर प्रदेश में लगाया है। तो सभी को मिलके काम करना, भारत देश एक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। काम कोई कहीं भी करे, लेकिन ऐसा करे कि जो अगर अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है वो अपने माँ बाप को ले जाके दे, उनको आगे बढ़ाए, अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाए, स्कूल की एजुकेशन उनको दे। यही हमारी दिली तमन्ना है और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारे बीच में हमारे विधायक जी आए हैं। जो कि अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा पूर्वांचल के विकास को लेकर के ये मुद्दा उठाते रहते हैं। एक बार आज फिर ये आपके साथ में है, तो कैसे पूर्वांचल का विकास हो, चूंकि आप भी माननीय हैं, पूर्वांचल के एक जिम्मेदार हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं दुबे जी, यहाँ पे विगत काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, शिक्षा दीक्षा भी, शैक्षणिक प्रबलता भी यही उन्होंने प्राप्त की है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल परिवार से भी बिलोंग करते हैं। अधिवक्ता वैसे भी, ईश्वर उसको विशेष रूप से इस बात का ज्ञान देता है, ज्ञान के बाद वो अधिवक्ता होता है और प्रैक्टिस करते रहते तो बहुत ही ज्ञानवान हो जाता है। और उसमें आदरणीय दुबे जी ने जो प्रयास किया पूर्वांचल के लोगों को मान सम्मान दिलाने, पूर्वांचल के स्थायित्व के लिए उन्होंने जो सोचा है, आज उसी संदर्भ में मुझे मिलने आए। मैं विगत 25 दिनों से ज़्यादा हो गया, मुझे वर्ष हुआ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ प्रवासी के रूप में भेजा है, यहाँ काम करने के लिए भेजा है। हमारी यहाँ की प्रत्याशी भारतीय जनता लाविकर है, जिनके पक्ष में हम प्रचार करने के लिए आए हैं। माहौल भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। देश के सभी प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ लोगों ने अपने आप को जोड़ के रखा है। तो मैं इस बात, इसी विषय पर इसी वर्ष हुआ विधानसभा में मैं था, माननीय अधिवक्ता महोदय गुरुजी दुबे जी ने मुझे मिलने की अपेक्षा की और पूर्वांचल में कोई विषय के बात करने के लिए कहा इन्होंने। तो मैं निश्चित तौर पर पूर्वांचल के विषय में कहना चाहूँगा कि आज मैं ये कह दूँ कि बम्बई के इस पूरे के पूरे उन्नति में, पूरे के पूरे प्रगति में पूर्वांचल वासियों का बहुत बड़ी भूमिका। जैसे $1 ट्रिलियन देने की बात SV योगी जी ने कहा है, भारत की धरा को समृद्ध बनाने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, वैसे पूर्वांचल वालों ने, बिहार के लोगों ने, बाकी लोगों ने आके, खासकर पूर्वांचल के लोगों ने आकर कहीं ना कहीं से इस मुंबई और महानगर, आप कह लीजिए महाराष्ट्र को, एक उन्नति और प्रगति दिया है, सख्त व्यवस्था से जोड़ा है। कहीं ना कहीं आपका मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम सब लोग बैठ के बात करेंगे और इनका मात्र एक ही मुद्दा मुझे समझ में आया कि कैसे पूर्वांचल के लोगों को सम्मान मिले, वो अधिकार मिले। और पूर्वांचल से एक विषय इन्होंने और भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार तेजी से प्रयास कर रहे हैं, तो पूर्वांचल के लोग जो यहाँ बम्बई में आके बसे हुए हैं उनकी स्थिति पर बहुत अधिक संतोष इन्होंने नहीं जताया। इनका मानना था कि लोग वहाँ से आते हैं और परिवार को छोड़ के आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्न नहीं कर पाते, न उसके बदले अपने परिवार के भरपूर आजीविका के लिए कुछ विशेष खास को भेज पाते हैं, तो क्यों ना उनके सजन या उनके पलायन की स्थिति जो उत्तर प्रदेश से वो समाप्त हो। मेरा यही मानना था, वकील साहब को यही मेरा कहना था कि जो लोग बम्बई आते हैं, बम्बई के इस दुनिया में बहुत सारे लोग पूरे पहले पुराने लोग आए और खूब उन्नति तरक्की लोगों ने किया। आज भी वही धारणा सारे लोगों के मन में है कि हम अगर बम्बई जाएंगे तो हम उसी तरीके से अपनी उन्नति और प्रगति को बना पाएंगे या बनाने में सहायक होंगे, इसी लोग बम्बई आते हैं। और मैंने अधिवक्ता महोदय का एक कहना था तो मैंने इसी बात पर स्पष्ट किया कि आप इसको पलायन का नाम न दें। बम्बई जब भी लोग आते हैं तो अपने स्वेच्छा से आते हैं और अपने परिवार की उन्नति और तरक्की के लिए आते हैं, तो पलायन का नाम इसको न दें। रहा सवाल उत्तर प्रदेश में रोजगार पर उत्तर प्रदेश बनाने का, तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके सानिध्य में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और सौभाग्य से हम सब लोगों को भी उनके आशीर्वाद और सानिध्य के नीचे काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं अधिवक्ता महोदय को बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि बनारस की धरती से हूँ, बनारस के बगल की विधानसभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा का मैं विधायक हूँ, संगठन का बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात को इनको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ों में जो विषय इन्होंने रखा है उस विषय को बिल्कुल रखें, परंतु इस पर ठीक से शोध करें और वास्तव में पूर्वांचल वासी या जौनपुर का वासी या आसपास क्षेत्र का वासी यहाँ आता क्यों है, उसकी अंतः मन में, उसके मन में भावना कैसी है,
उसकी भावनाओं को अपनी भावनाओं के तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपका दर्द है निश्चित तौर पर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 10x10 के कोली में रहते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उन्हें भी देखने की ज़रूरत है वकील साहब आपको, जो लोग कभी दूर से आए और यहाँ आज बहुत ही कामयाब इस कामयाबी स्थिति में खड़े हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, सुभाष पासी जी को ले लीजिए, कृपा शंकर सिंह जी को ले लीजिए, ठाकुर हरबंस सिंह जी को ले लीजिए, ऐसे अनेक चेहरे हैं जिनके बारे में बता सकता हूँ, जो लोग यहाँ आने के बाद अपने जीवन को उत्कृष्टता के चरम पर ले जाके पहुँचा दिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा है। और जब वो जौनपुर में जाते हैं तो उनके आवभाव, उनके व्यवस्था को देखकर वहाँ के लोकल लोग, पूर्वांचल के लोकल लोग, जौनपुर नहीं पूर्वांचल के लोकल लोग, सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। और कृपा शंकर सिंह, हरबंस सिंह और सुभाष पासी और ऐसे अनेक नाम है, पंडित ललन तिवारी, वो बनना चाहते हैं। और दुनिया में इंसान को ढूंढ के कहीं ना कहीं ऐसा भारत का धड़ा कोई हो जिससे उसकी उन्नति तरक्की हो सकती हो, तो वो उस धड़ा पे जा सकता है, जाने की कोई मनाही नहीं है। रहा सवाल उत्तर प्रदेश की प्रगति उन्नति का, तो मैं बड़े ही दावे से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोजगार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो अभूतपूर्व है। और ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बम्बई से लोग वापस जाएंगे और वहाँ रोजगार ढूंढेंगे। अशोक जी, ऐसा कहो ना, यानी आपका रीजन क्या है और आपका उद्देश्य क्या है? आज आप काशी के विधायक रमेश जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले एसएम खान जी, जो कि अल्पसंख्यक के भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, बड़ा उत्तर भारतीय चेहरा है, आप आकर के इनके ऑफिस में इन लोगों से मुलाकात की, तो क्या चर्चाएं हुई आपकी और क्या है उद्देश्य? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पर आया अपने बड़े भाई गणमान्य माननीय विधायक जिसको मिलने के लिए, हमारे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बीजेपी के वहाँ के माननीय हैं उनको मिलने के लिए। हमारा जो मेन इगरनेस था वो ये था कि भाई साहब पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, मुगल सराय के विधायक हैं, और पूर्वांचल वालों की जो पीड़ा है, पूर्वांचल से जो मेन मुद्दा, मतलब अपना पूर्वांचल महासंघ हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहता है कि पूर्वांचल का पलायन जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है सबके लिए, पॉपुलेशन के बेस पे और यहाँ के लिए भी, नो डाउट। इस चीज़ को हम एडमिट करते हैं कि सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं, लोग एक और चीज़ देखते हैं, जैसे अभी भाई साहब ने नाम लिया कृपा शंकर सिंह जी का, हरबंस सिंह जी का, ललन तिवारी जी का, तो अतिशयोक्त हर जगह होता है, लेकिन उसको हम पर्लल में, कॉमन में नहीं काउंट कर सकते। कॉमन में काउंट, अब किसी के घर, कोई गरीब घर का बच्चा पहले प्रयास में टॉप कर जाता है, IAS बन जाता है, तो इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नहीं सारे बच्चे उस तरह से हो जाएंगे। प्रतिभाएं होती हैं और सबका, सबकी नसीब अलग अलग होती है, लेकिन कॉमन जो चीज़ें हैं, कॉमन देखना हो तो वो ये है कि जो मास पीपल वहाँ से आए हुए हैं, आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे घरों में लॉक लगे हुए हैं, जिसके माँ बाप ने अपनी गाढ़ी कमाई से वहाँ पे हवेली बनाई, उनके बच्चे आज यहीं पे सेट हो गए, आज वहाँ दिया जलाने के लिए कोई नहीं रहता है, तो क्या हमारा क्षेत्र इतना भी नहीं कर सकता, या उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वहाँ पे छोटा रोजगार डाल करके आज के MSME के तहत, लघु उद्योग के तहत पूर्वांचल को पूरा डेवलप किया जा सकता था उस समय। अभी मैं इस चीज़ को हमेशा अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, उनका सब, उनका जो प्रयास रहा है हमेशा पॉजिटिव रहा है पूर्वांचल को लेकर के, और जो भी हो सक रहा है, मतलब वो उसमें हमेशा लगे हुए, इन 5 सालों में काफ़ी पलायन रुका भी है, काफ़ी रोजगार उन्होंने पैदा भी किया है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर जो काम करने की जरूरत है, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, एक भी गांव के बच्चों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, न अभी 50,000 रुपये तक फ्री में मिलता है, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के लोन मिलता है युवाओं को। आप गाँव में जरा पता कीजिए, अगर एक बैंक वाला कोई मैनेजर दे दे जो कोई सहार जाइए में, वो बोलते हैं नहीं, मतलब जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी लिखा करके उनको चाहिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनकी लिखा करके चाहिए, उनके लिए वो चाहिए होता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो दे रही है उसको भी इम्प्लीमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। और अगर इस तरह से 50,000 रुपये पाने वाला बच्चा, घर का एक बच्चा, अकेला बच्चा है, माँ को छोड़ करके वहाँ पर मुंबई कमाने के लिए आ जाता है, उसकी माँ बेचारी दूसरे से किसी चीज़ के लिए जाने, मतलब काम करने के लिए करना पड़ता है, तो ये जो मजबूरी है ना, अगर उसको 50,000 रुपये वहाँ पे मिल जाएगा तो वो 100% अपनी जीविका के लिए वहाँ पे प्रयास करेगा।
तो सरकार भी आपके साथ हैं जुड़े हुए, सरकार बिल्कुल से क्या नहीं, कुछ है? सरकार देखिए मोदी योगी गवर्नमेंट वहां पर 2019 के बाद से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन जो पीछे खाई है तो उसको पाटने में टाइम लगता है, ये हकीकत है। बहुत सारे चैलेंजेस थे। अभी मैं भी बनारस जा करके आया हूँ, देखा हूँ, सोनभद्र जा करके आया हूँ, चंदौली, पूरा पूर्वांचल वो देखा, मैं टहला है। तो जो डेवलपमेंट अभी बनारस का, प्रयागराज का, अयोध्या का, गोरखपुर का हुआ है इन पिछले 5-7 सालों में, ऐसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ यूपी में। हाँ, यूपी में सबसे ज़्यादा फोकस जो हुआ करता था, क्यों पूर्वांचल की बात क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि जो पश्चिमी पश्चिमांचल है, पूर्वांचल का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मेरठ वगैरह, उस पर सबका फोकस हुआ करता था, सब उसको डेवलप करने में लगे हुए थे, इसलिए ये पूरा का पूरा पिछड़ा एरिया रह गया था। लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम बने हुए हैं, तब से उनका पूरा फोकस पूर्वांचल पे है, और पूर्वांचल दिन प्रतिदिन उसके लिए विकसित हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको जमीन तक लेके जाने की जरूरत है, वहाँ के बच्चों के साथ बैठ के जो बात करने की जरूरत है, वहाँ के गाँव के युवाओं को वो चीज़, वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसकी जरूरत है। इसके लिए मतलब वहाँ पर जमीनी स्तर पे अपना पूर्वांचल महासंघ उन लोगों के साथ में बैठ करके काम भी करता है, इवन वहाँ के वीडियो से, वहाँ के प्रधान से, ग्राम प्रधान से इस चीज़ को बोलता है कि आप वहाँ पर जाकर के बैंक में बोलिए, ये अगर कोई वीक वीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आ रहा है बेचारा, उसको पैसे की जरूरत है, अगर उसका बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ तो उसको आप लोन दो, वो आप अपने पास से नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट के पास से जा रहा है, वो आप दो उसको। ये सारी चीज़ें, डेटाज वगैरह हम इकट्ठा करवा के करवा रहे हैं, हमारे ये प्रयास बराबर चालू है, और हम इस प्रयास को मतलब एक अहम मुद्दा बना करके चलते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा पूर्वांचल से जो हमारे युवा वर्ग हैं, साथी हैं, वो उनका पलायन रुके और वहां पे वो खुद डेवलप करें अपने आप। सर, मुद्दा तो हम है, मुंबई महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां भी आए दिन यह मुद्दा उठाती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार होता, मुहैया होता, तो लोग वहां नहीं आते, वहां से यहाँ नहीं आते। और वास्तव में मुद्दा अहम है, क्या रोजगार वहां सुनिश्चित किया जाए, ये ठीक नहीं है? मैंने आपको पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के मुंबई आने के, महाराष्ट्र आने के पीछे कारण क्या है, और दूसरों को देखने के बाद उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं रोजगार अगर बंबई में करूंगा, मैं कोई काम अगर बंबई में करूंगा तो मेरी एडिशनल उन्नति होगी, अतिरिक्त उन्नति होगी। आप मुझे बताइए, हम सब लोग भी यूपी के ही रहने वाले हैं, हम लोग बंबई क्यों नहीं आ गए? हमारे ऐसे हजारों हजारों कर लाखों लाख लोग बंबई क्यों नहीं आ गए? सारे के सारे यूपी वाले अगर बंबई अगर आ ही जाते तो मुंबई में पैर रखने की जगह बसती क्या? 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में तेजी से उन्नति कर रहा है, एमएसएमई के प्रभाव का असर दिख रहा है, तेजी से इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, डेवलप हो रही है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके पास वहाँ बहुत सारे तरीके काम करने के, और आपका अगर नशा हो, आपके मन में भाव हो कि नहीं मुझे तो बम्बई जाना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बम्बई वाला बनारस जाना चाहता है तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। बनारस वाला गुजरात जाना चाहता है, अब गुजरात वाला इलाहाबाद जाना चाहता है, तो उसको रोक नहीं सकता। उसके मन की प्रवृत्ति है कि वो जम्मू जाए, कश्मीर जाए, कहाँ जाएगा, तो ये स्वभाव उसका है। मैं वकील साहब की इस बात से भी ना इत्तफाकी नहीं रखता, इनकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर आज जितना रोजगार है उतना पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जो संसदीय प्रणाली है, पूरे भारत के अंदर 403 विधायकों वाली वो विधानसभा है जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ की व्यवस्था ज़्यादा है, वहाँ का संचालन दिनों दिन तेजी से बढ़ रहा है। अब तो महाराष्ट्र के लोग भी ये बात कहते हैं कि सरकार हो तो योगी आदित्यनाथ जैसी हो, तो सिर्फ लाइन ऑर्डर को लेकर नहीं है, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार हमारी बहुत ही उन्नतिशील है। आप अपने मनोवृत्ति के हिसाब से जहाँ जाना चाहते हैं जाइए। बनारस के अंदर रोजगार के लिए मारामारी हो रही है, इतना रोजगार बनारस में पूछिए मत। और जब 2014 के बाद से, जब से देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, स्किल को लेकर इतना इतना ज्यादा काम किया गया है कि आज आदमी आत्मसम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन जी रहा है। उसके अंदर जो स्किल है उसको उभार लिया, निकाल लिया, और जब उसको निकाल लिया तो प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान का अनुपालन किया कि स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई को अच्छा पैसा लिया और अपने मन में जो विजन था, जो स्किल था, उसको उसने जमीन पर उतारा, और उसके बाद आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेशों में सबसे एक नंबर पर खड़ा है। अब रहा सवाल आपके बम्बई आने का, आपके आने और जाने का, तो मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता,
और अधिवक्ता दुबे जी ने भी बिल्कुल अपने विषय को रखा। कुछ लोग जो यहाँ पहले से आके पड़े हुए हैं उनके साथ थोड़ी सी उनकी राज उनकी सामाजिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया होगा, तो उस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए और अधिवक्ता आदरणीय गुरु जी ने दुबे जी ने इस बात का विषय रखा। और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि बड़ा प्रदेश है, मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रदेश है तो थोड़ी सी जरूरतें भी लोगों की बम्बई के हिसाब से होने लगी हैं। और सबके सब लोगों को सुभाष पासी, कृपा शंकर सिंह, मैंने पहले ही कहा कि सभी को ललन तिवारी बनना है। उनके मेहनत और पुरुषार्थ के समय अलग थे, आज का समय अलग है। इस नाते फिर भी यदि ये सारे के सारे लोग इत्तफाक से मेरे साथ सुभाष पासी जी भी जुड़ गए, आ गए मेरी बात, आप कैमरा चाहें तो इधर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये प्रेरणा है और ये प्रेरणा कहाँ बुरा है। अगर किसी उत्तर प्रदेश के वासियों, किसी जौनपुर, सैदपुर, जो गाजीपुर के लोगों को, किसी बनारस के लोगों के लोग अगर उस समय पहले समय में यहाँ आके बसे, दुश्वारियाँ झेली, मेहनत किया, रात दिन एक किया, तब जाके इस मुकाम पे है। और ये मुकाम आने के बाद अगर भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग अगर मुंबई आने की सोचते हैं, इन्हें अपना प्रेरणा मानते हैं, तो वो आए ना, कहाँ मना उनके लिए, वो आए, इनको देखें, इनसे राय लें, इनसे मशवरा लें, और उसमें कामयाबी अगर हासिल हो तो मुंबई का हिस्सा बने, अन्यथा इनसे राय लेके मशवरा लेके वापस जाके उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपने स्किल को बाहर निकाल कर एमएसएमई का लाभ लेकर नए रोजगार का सृजन करें और 10 लोगों को रोजगार दें। तो ये रोजगार देने वाला विषय, स्किल की बात, इससे पहले भारत के अंदर अनेकों प्रधानमंत्री आए, देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, किसी ने स्किल की बात नहीं।